हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्लॉट कितने टाइप का होता है और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछली लेक्चर में मैं आपको बताया था कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल कितने टाइप का होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्लॉट ड्रॉ करते हैं। स्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा। प्लेन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन के आइकन पे राइट क्लिक करें और स्केच पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब हम यहाँ पे स्लॉट ड्रॉ करेंगे। स्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको स्लॉट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसके बगल में एक छोटे से आइकन पे क्लिक करें। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर मेनी टाइप्स का स्लॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से पहला है स्ट्रेट स्लॉट, दूसरा है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, तीसरा है थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट और चौथा है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। अब हम यहाँ पे एक एक करके स्लॉट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे ये कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए पहला स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और स्ट्रेट स्लॉट पे क्लिक करें। तो अब आपका स्ट्रेट स्लॉट का कमांड एक्टिव हो गया। अब आप पहला उस पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ से आप स्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कोई भी स्केच ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करें, जिससे कि आप उस स्केच को आसानी से फुल्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें और ये दूसरा पॉइंट पे क्लिक करें और तीसरा ऊपर की तरफ खींचें, क्लिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो अब आपका स्ट्रेट स्लॉट बन के तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें। तो दो सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायमेंशन दीजिए, तो 110 एंटर। दूसरा इस लाइन और इस लाइन के बीच का 45 एंटर। ओके, अब देखिए आपका स्लॉट फुल्ली डिफाइन हो गया। नेक्स्ट है सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट। यहाँ पे क्लिक करें सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट, ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें। अब देखिए, जब ये ड्रॉ हो रहा है तो दोनों साइड हो रहा है, इंक्रीज होगा तो भी दोनों साइड और डिक्रीज होगा तो भी दोनों साइड। दूसरा पॉइंट पे क्लिक करें और तीसरा ऊपर की तरफ खींचें, क्लिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो अब आपका सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट बन के तैयार हो गया। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें। ये सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट का डायमेंशन 115 एंटर, और दूसरा इस लाइन और इस लाइन के बीच 50 एंटर। ओके, अब देखिए आपका ये सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट बन के तैयार हो गया और ये फुल्ली डिफाइन भी हो गया डायमेंशन देने के बाद। पर दोस्तों, इसमें एक बात है कि कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि आपका ये जो लेंथ है ये ओवरऑल लेंथ का डायमेंशन देना होता है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करें, इसको डिलीट करें।
स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएं, इस पॉइंट पे क्लिक करें और इस पॉइंट पे क्लिक करें और नीचे क्लिक करें। अब इसमें टाइप कीजिए 160 एंटर। अब देखिए ओके। अब देखिए अब जो इसमें डायमेंशन दिया गया है ये पूरा ओवरऑल लेंथ है 160 mm और जो विड्थ है वो 50 mm। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है तो आप उस कंडीशन में इस तरह डायमेंशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट। थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट ड्रॉ करने के लिए आइकन पे क्लिक करें, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट पे क्लिक करें। दोस्तों एक और बात, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड डायमेंशन, अगर आप इस पे टिक करोगे तो आप जो भी स्लॉट ड्रॉ करोगे उसमें डायमेंशन ऑटोमेटिक आएगा। तो चलिए देखते हैं। एक पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरा पॉइंट पे क्लिक करें, तीसरा इस पॉइंट पे क्लिक करें और चौथा खींचें ऊपर की तरफ क्लिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। इसको ड्रैग कीजिए, इसको भी ड्रैग कीजिए, इसको भी ड्रैग कीजिए। ओके अब देखिए यह 90 डिग्री है। डायमेंशन एडिट करने के लिए डायमेंशन पे डबल क्लिक करें तो यह मुझे 100 डिग्री चाहिए, एंटर, ये 50 mm, एंटर, ये 55 mm, एंटर। अब देखिए ओके। अब देखिए हमने डायमेंशन तो दे दिया पर ये अभी तक फुल्ली डिफाइन नहीं हुआ है, तो फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसमें रिलेशन लगाना होगा। रिलेशन लगाने के लिए पहले हम एक रिफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन ओरिजिन पॉइंट से, अब इस आर्क पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस लाइन पे क्लिक करें और मेक टेंजेंट पे क्लिक करें। ओके अब देखिए आपका स्लॉट फुली डिफाइन हो गया। तो इसी तरह आप डायमेंशन को एडिट कर सकते हैं, रिलेशन लगा सकते हैं, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ऊपर की तरफ खींचें और क्लिक करें और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर जाएं। इसको नीचे करेंगे, इसको ड्रैग करें, इसको भी ड्रैग करें। ओके देखिए डायमेंशन एडिट करेंगे, 90 डिग्री एंटर, 40 mm, एंटर, ये 65 mm, एंटर। ओके पर देखिए अभी भी ये अंडर डिफाइन है, इसे डिफाइन करने के लिए इसमें रिलेशन लगाना होगा। रिलेशन लगाने के लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ करें, सेंटर लाइन पे क्लिक करें, ओके अब शिफ्ट के साथ इस आर्क पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस लाइन पे क्लिक करें और मेक टेंजेंट। ओके
अब देखिए आपका स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की लेक्चर में हम सीखेंगे कि सर्किल कितने टाइप का होता है और आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों एक और बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।